हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो आज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, ये मैंने बेसिकली बनाया वीडियो कि काफ़ी जनता को अभी इंडिया में पता ही नहीं है कि ड्रोन है क्या और क्या है फ्यूचर, क्या है टेक्नोलॉजी, क्या होता है ड्रोन और व्हाट इज़ दिस ऑल थिंग और इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो ये एक बड़ा बेसिक वीडियो है, अगर आप जानते हैं, आप ऑलरेडी ड्रोन एंथुजियास्ट हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक्स बताने वाला हूँ जो मोस्टली ड्रोन एंथुजियास्ट को पता होगा। ये बेसिकली मैं बना रहा हूँ जनरल पब्लिक के लिए वीडियो। दिस इज ड्रोन चैनल, अगर आप पहली बार आए इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल पे हम इन्फॉर्मेशन देते हैं ड्रोन्स के बारे में कि ड्रोन्स इस वीडियो में ड्रोन से रिलेटेड एवरीथिंग मैं कवर करूँगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए, जिसको पता लगे कि ड्रोन एक खिलौना नहीं है, ड्रोन एक फ्यूचर है, ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है जो आने वाले वक्त में सबको पता लग जाएगा क्या है, और तब शायद हमारे चैनल का भविष्य भी बहुत उज्जवल हो जाएगा। तब तक होप सो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली ड्रोन क्या है? ड्रोन एक, आपको सिंपल भाषा में बताया जाए तो, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का फ्यूचर है आने वाले टाइम में। अभी फ़िलहाल एक वो कैमरा है जो कि उड़ता है, और उड़ने के साथ साथ इसको इंग्लिश में कहा जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ह्यूमन एज सच नहीं बैठा होता उसको चलाने के लिए, ये अपने आप टेक्नोलॉजी से चलता है, दूर से रिमोट कंट्रोल से चलता है, और इसके अंदर काफ़ी सेंसर्स दिए गए होते हैं जो हाई एंड आते हैं, जो मेरे पास है DJI का। तो इन्हीं, यही फ्यूचर हैं आने वाली काफ़ी चीज़ों में, ये यूज़ होने वाले हैं। तो बेसिकली कई लोग कहते हैं क्या ये हेलीकॉप्टर है? प्रिंसिपल इसका हेलीकॉप्टर जैसा है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंदा एज सच ह्यूमन नहीं बैठता, कोई पायलट नहीं होता, इसका पायलट बाहर रिमोट लेके इसको उड़ाता है, और इसको उड़ाने का जो टेक्निक वो सेम है। इसमें दबाव बनता है, पंखे चलते हैं, चारों तरफ इसके पंखे होते हैं, चार वाला बेसिक है, इससे ज़्यादा पंखे वाला भी आता है ड्रोन। तो इस और इसमें लगा होता है कैमरा। तो ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में इसी का बड़ा वर्जन भी बनने वाला है जो अब तक तैयार हो चुका है, उस बड़े वर्जन में लोग तक बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी जो वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, ये बेसिकली सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, क्योंकि ये काफ़ी फॉर्म्स में आता है, इससे बड़े फैक्टर में भी आता है, इससे छोटे फैक्टर में भी आता है। और पहला यूज़ इसका सबसे बड़ा ये है कि ये जो क्रेन शॉट्स आप देखते थे पहले फिल्मों में, वो आजकल इससे लिए जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग शॉट ले जा सकते हैं हम इसको दूर, और कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, और आपके पास आउटपुट आती है। तो बेसिकली पहला इसका यूज़ अभी फ़िलहाल जो हो रहा है वो हो रहा है फिल्मों में, और इसके अलावा हमारे जैसे आप और हम यूट्यूबर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे एरियल शॉट्स, दूर का शॉट लेने में इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी वैरायटी में आता है, काफ़ी प्राइसेस में आता है। तो ये जो मेरे पास है, ये है मैविक एयर, और ये मिडल में जाके बैठता है, ये ना ज़्यादा महंगा में आता है, ना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में आता है, ना ही छोटे खिलौनों में आता है, ये आपके सारे पर्पस कर सकता है सॉल्व एक अच्छे बजट के अंदर, मिडल बजट में। इसके आगे हाई एंड भी आते हैं, स्लो एंड भी आते हैं, उसमें स्पीड वगैरह का वेरिएबल होता है। तो पहला आपको यूज़ आपको पता लग गया कि ये एक कैमरा है जो कि उड़ता है, और इसका रिमोट हमारे पास रहता है, और इस रिमोट की मदद से ये उड़ता है, काफ़ी ऊपर तक इसको ले जा सकते हैं। तो पहला इसका यूज़ है फोटोग्राफी में। दूसरा इसका यूज़ बहुत ज़रूरी यूज़ है, वो है सर्विलेंस। सर्विलेंस मतलब जाँचना कुछ दूर, जहाँ पर आप नहीं जा सकते, काफ़ी बहुत बड़े बड़े खंभे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, काफ़ी डैम्स में कई बार लीकेज हो जाते हैं, जहाँ पर आम आदमी मतलब ट्रेंड आदमी का जाना भी मुश्किल है, वहाँ पर सर्विलेंस ड्रोन्स पहुँच जाते हैं हवा से, और वहाँ से क्या प्रॉब्लम है, क्या लीकेज है, क्या डिटेक्ट फॉल्ट है, वो इससे कैमरे की मदद से हमारी स्क्रीन पे बता देते हैं, और चाहे तो उसको पास भी ले जा सकते हैं काफ़ी। तो पूरा ह्यूमन की लाइफ को रिस्क में डाले बिना ही हमें वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये ला के दे देता है। तो ये इसका बहुत बड़ा यूज़ है, अब इंडिया में भी यूज़ होने लगे हैं, आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो ये था इसका सर्विलेंस का, जिसमें आपको पावर लाइन में फॉल्ट है, डैम्स में कुछ लीकेज है, तो उसमें ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। नंबर तीन जो सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे कंट्री का, वो है खेत, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में ट्रैक्टरों तक आपने सुना होगा, आपने मजदूर लगा दिए, ट्रैक्टर लगा दिए, सौ चीज़ें करी, जो किसान भाई हैं सबको पता है क्या कितनी मेहनत होती है। लेकिन अब आने वाले टाइम में खेती बाड़ी भी ड्रोन से होगी, और जो जो आप दवाइयाँ, पानी का छिड़काव ट्रैक्टर से रगड़ रगड़ के देते हैं, तो आप बैठे हुए एक चेयर पे
इन ड्रोन्स की मदद से देखते हुए कहाँ कहाँ पानी देना है बहुत आसानी से दे पाएंगे, और कहाँ कहाँ दवाई की छिड़काव, मतलब काफ़ी 90% काम जो आप ट्रैक्टरों और लोगों की मदद से करते हैं वो ड्रोन कर सकता है। तो तीसरा इसका बड़ा यूज़ है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में। और अब आ जाते हैं इसके जो फ्यूचर यूज़ है, ये सब यूज़ हो रहा है आज की डेट में, इंडिया में अभी नहीं हो रहा लेकिन बाहर सर्वेलेंस में यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, फोटोग्राफी में इंडिया में भी यूज़ होने लग गए हैं और एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस में, जैसे आपने एयर स्ट्राइक सुनी होंगी अमेरिका करता है, वो ड्रोन से एयर स्ट्राइक करता है, वो इतने पावरफुल ड्रोन होते हैं उनके बीच में, वहाँ पर उनका कोई जवान नहीं जाता, ड्रोन जाते हैं और ड्रोन में फिट किए जाते हैं मिसाइल्स और सारा गन्स एंड ऑल दैट, जिसको आप अपने यहाँ से बैठकर शूटिंग बाहर कर सकते हैं। ऐसे ही स्ट्राइक बाहर की कंट्रियाँ करती हैं और ऐसे ड्रोन्स इंडिया में भी आने वाले हैं। तो इसी का यही कारण है कि अभी तक इंडिया में लीगल नहीं हुए थे, तो अब पॉलिसीज बन रही हैं कि ड्रोन्स के मिलिट्री यूज़ के अलावा भी काफ़ी अच्छे यूज़ हैं, इसलिए लीगल कर रहे हैं। वो रूल्स आ चुके हैं, इम्प्लीमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर इसका ये है कि इसका बड़े साइज़ में ड्रोन को बड़ा करके बाहर की कंट्रीज़ ने शुरू कर दिया है, और उसमें लोग बैठकर ट्रैवल करेंगे। करना क्या होगा, सिर्फ ऐप के अंदर, जैसे हम अभी उड़ा रहे हैं ड्रोन, वैसे ही ऐप के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जाना है, बस फिट करना होगा, उड़ेगा ये खुद ही सेंसर्स की मदद से, और जहाँ से आप उसको टेक ऑफ करेंगे और जहाँ पर आपने लैंडिंग का पॉइंट सिलेक्ट किया है वहाँ पर ये लैंड हो जाएगा। तो ये है फ्यूचर ड्राइव ड्रोन्स का, जो कि अभी कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा बट आने वाले टाइम में यूज़ हो जाएगा। तो आपको संक्षिप्त में और बड़े आसान शब्दों में बता देता हूँ कि ये है फ्यूचर हर एक टेक्नोलॉजी का। सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ड्रोन्स है, खेती बाड़ी का फ्यूचर ड्रोन्स हैं, हमारे ट्रैवल करने का फ्यूचर ड्रोन्स हैं, और सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का तो यूज़ हो ही रहा है, वो आप सब जानते ही हैं। और अगर आपने ड्रोन शॉट्स देखे हैं, कि मैंने भी इसमें डाले हुए हैं, आपकी प्लेलिस्ट मेरे में है, आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे कैसे, और आप बहुत जगह कुछ भी सर्च कीजिए तो आपको पता लग जाएगा। बाकी क्या रूल्स हैं, कैसे इसको लेना है लीगली, तो वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थैंक्स, और अगर आप कुछ भी ड्रोन के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स पड़ा है आपके लिए, आप लिखिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है वो लिखिए, और हफ्ते में एक बार मैं एक क्वेश्चन सेशन भी करता हूँ जिसमें आपके सारे कमेंट्स को मैं 1-to-1 पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। वो वीडियो कल या परसों आने वाला है, जो पिछले कमेंट्स रह गए हैं। तो आपका अगर कोई है तो प्लीज़ इसमें आप लिख दीजिए, और डेफिनेटली विद आपका नाम मैं लूँगा और रिप्लाई करूँगा। तो एक था ये बेसिक कि ड्रोन क्या है और ड्रोन का फ्यूचर क्या है, अब मैंने आपको बता दिया है कि ये फ्यूचर है हर एक टेक्नोलॉजी का जो कि एग्जिस्टिंग है। जैसे मोबाइल्स पॉपुलर हुए थे, आने वाले टाइम में ड्रोन्स पॉपुलर होंगे। तो काफ़ी कुछ मैंने बेसिक्स में और बड़े आसान लैंग्वेज में आम पब्लिक के लिए बताया, और होप आपको पसंद आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि ड्रोन क्या है और ड्रोन का फ्यूचर क्या है। तो मैं हूँ ड्रोन टेक डॉक्टर अंशु मल्होत्रा, पर्सनली मुझे ड्रोन्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये इन पे चैनल मैंने बनाया, और ये फर्स्ट चैनल इंडिया का जो एक्सक्लूसिव ड्रोन्स की इन्फॉर्मेशन देता है। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता।